गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बच्चों, माई सेल्फ आर के मिश्रा। बच्चों, आज हम लोग ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ेंगे 11th की बायोलॉजी, है ना। और जो आज का टॉपिक है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने किंगडम मुनेरा के बारे में पढ़ा था, जिसमें बैक्टीरिया वगैरह बारे में हमने बताया था आपको। आज जो हम पढ़ेंगे बच्चों, दैट इज टॉपिक है हमारा एनिमल किंगडम, किंगडम एनिमेलिया, ठीक है ना। किंगडम एनिमेलिया के बारे में पढ़ेंगे आज हम लोग। बच्चों, ऐसा होता है, ध्यान रखना, हमारे अर्थ पर बहुत सारे जीव पाए जाते हैं ना, बहुत सारे जीव हैं अर्थ पर हमारे, और सब कोई प्रोकैरियोटिक है तो कोई यूकैरियोटिक है, और यूकैरियोटिक में ही कोई यूनिसेलुलर है तो कोई मल्टीसेलुलर है, मल्टीसेलुलर में भी कोई बहुत वेल डेवलप्ड है तो कोई लेस डेवलप्ड है, वेल डेवलप्ड में ही कई में कुछ स्पेशल कैरेक्टर पाए जाते हैं, कई में नहीं पाए जाते, है ना। दो ऑल द मेंबर्स ऑफ एनिमेलिया आर मल्टीसेलुलर, यद्यपि सारे के सारे मल्टीसेलुलर हैं, बट ऑल ऑफ देम डू नॉट एग्जिबिट सेम पैटर्न, लेकिन सारे के सारे एक ही प्रकार के पैटर्न नहीं दिखाते बच्चों। जैसे इन स्पंजेस द सेल्स आर अरेंज्ड एज लूज सेल एग्रीगेट्स, स्पंज में सेल बहुत ढीली ढीली लगी होती हैं, दूर दूर लगी होती हैं, दे एग्जिबिट सेलुलर लेवल, वो एक सेलुलर लेवल दिखाते हैं, है ना। ऐसे ही आप आगे बढ़ोगे तो टिश्यू लेवल दिखाई पड़ेगा, फिर ऑर्गन लेवल दिखाई पड़ेगा, अंग स्तर दिखाई पड़ेगा। आज बच्चों एनिमेलिया में हम लोग पढ़ेंगे कुछ बातें, कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक चीजें जिनको आपको जानना बहुत जरूरी है। बच्चों ध्यान रखना, ए कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हैज टू ओपनिंग, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान रखना। एक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम अगर होगा, अगर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है तो उसमें दो टाइप की ओपनिंग होंगी बच्चों, है ना, माउथ एंड एनस, माउथ एंड एनस, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये, माउथ एंड एनस। सिमिलरली द सर्कुलेटरी सिस्टम मे बी ऑफ टू टाइप्स, इसी प्रकार सर्कुलेटरी सिस्टम भी बच्चों दो टाइप का होता है। सबसे पहला होता है ओपन टाइप, दूसरा होता है क्लोज्ड टाइप। ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब समझते होंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम में हम क्या पढ़ते हैं, ब्लड और हार्ट पढ़ते हैं, है ना, तो लिम्फ, ब्लड, हार्ट, ये सब सर्कुलेटरी सिस्टम है हमारा। तो जो ओपन टाइप सिस्टम होता है, इसमें क्या होता है, इन ओपन टाइप सिस्टम इन विच द ब्लड इज पंप्ड आउट ऑफ द हार्ट, जब ब्लड जो है वो हार्ट से बाहर आए, हार्ट से बाहर की ओर फेंका जाए तो ओपन टाइप होगा, एंड द सेल्स एंड टिश्यूज आर डायरेक्टली बाथ्ड इन इट, और जब हार्ट से ब्लड निकले तो उसमें जो अंग हमारे सिस्टम के जो सेल्स और टिश्यू हों वो सब उसमें डूबे हुए हों, ध्यान रखना। इन विच द ब्लड इज पंप्ड आउट ऑफ द हार्ट, हार्ट से बाहर आए, एंड सेल्स एंड टिश्यूज आर डायरेक्टली बाथ्ड इन इट, और इसमें डायरेक्टली हमारे सेल्स और टिश्यूज डूबे हुए हों, तब तो उसे आप कहोगे ओपन टाइप सिस्टम, जैसे मनुष्य है। और क्लोज टाइप, माफ करना बच्चों गलत बोल गए हम, ये ओपन टाइप सिस्टम क्या होगा कि जब हार्ट से ब्लड बाहर आए, और बाहर का मतलब बॉडी से बाहर नहीं, बाहर का मतलब बॉडी से बाहर नहीं रहेगा वो, तो हार्ट से बाहर आए और उसमें सेल्स और टिश्यूज डूबे रहे। अब क्लोज टाइप जो होगा बच्चों, इन विच द ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू ए सीरीज ऑफ वेसल्स वेरिंग डायमीटर्स, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। अब क्लोज टाइप ये होता है बच्चों कि ब्लड जो है वो हार्ट से बाहर ना आए, हार्ट से ही वो डिफरेंट टाइप के वेसल्स में, जैसे आर्टरी, वेन, कैपिलरीज, इनके थ्रू होता हुआ पूरे बॉडी में सर्कुलेट होने लगे तो उसे कहोगे क्लोज टाइप सिस्टम, जैसे मनुष्य का है। बात समझ में आ रही है। अब अगला टर्म है बच्चों सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब क्या होता है, ध्यान रखना, हिंदी में कहते हैं सममिति। एनिमल्स कैन बी कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमेट्री। एनिमल्स को हम सिमेट्री के बेस पर कैटेगराइज करते हैं बच्चों, ध्यान रखना। स्पंजेस आर मोस्टली एसिमेट्रिकल। अब ये क्या है सर सिमेट्री, एसिमेट्री क्या है, देखना। एसिमेट्री का मतलब क्या होता है, एनी प्लेन एसिमेट्री,
एनी प्लेन दैट पासेस थ्रू द सेंटर डज नॉट डिवाइड देम इंटू इक्वल हाफ्स। जैसे मान लो किसी जीव के, जैसे मान लो ये जीव है कोई, इसके सेंटर से कोई लाइन गुजरे ऐसे, लेकिन आप यहां देख रहे हो कि ठीक बीचों बीच बट जा रहा है ना, बीचों बीच ना बटे, ऐसा ऐसा प्लेन जो सेंटर से तो गुजरे, सेंटर से तो निकले, लेकिन जीव को दो बराबर भागों में नहीं बांट सके, ध्यान रखना इक्वल हाफ्स नहीं बनेंगे, तो उसे कहोगे एसिमेट्री, है ना। एनी प्लेन दैट पासेस थ्रू द सेंटर डजेंट डिवाइड देम इंटू इक्वल हाफ्स, सेंटर से तो निकले बट बराबर बराबर भागों में नहीं बांट सके, उसे बोलोगे एसिमेट्री, ध्यान रखना उसे क्या नाम दोगे, एसिमेट्री। व्हेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर एक्सिस ऑफ द बॉडी डिवाइड्स ऑर्गेनिज्म इनटू टू आइडेंटिकल हाफ्स, ध्यान रखना, और जब किसी भी जीव के ठीक सेंटर से कोई लाइन ऐसे पास हो और उस जीव को दो बराबर बराबर भागों में, दो समान भागों में बांट दे बच्चों, तो उसे नाम दोगे रेडियल, रेडियल सिमेट्री। बात समझ में आ रही है, एसिमेट्री का मतलब जब सेंटर से तो लाइन गुजरे लेकिन समान भागों में न बांटे, और रेडियल सिमेट्री का मतलब सेंटर से गुजरे, है ना, सेंट्रल एक्सिस से गुजरे, सेंट्रल एक्सिस से निकलकर दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दे, उसे बोलोगे आप रेडियल सिमेट्री। जैसे सिलेंट्रेट्स, है ना, टीनोफोर्स, इकाइनोडर्म्स, ये सब के सब आप क्या है, हैव दिस काइंड ऑफ बॉडी प्लान, इन सब में रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, ध्यान रखना। एनिमल्स लाइक एनलीडा, आर्थ्रोपोडा, है ना, इस फैमिली के जो फाइलम के जो एनिमल्स हैं, वेयर द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ्स इन ओनली वन प्लेन, एग्जिबिट बायलेटरल सिमेट्री। अब ध्यान रखना अगला टर्म आता है बायलेटरल सिमेट्री, क्या है बायलेटरल, बायलेटरल सिमेट्री, ध्यान रखना बायलेटरल सिमेट्री का मतलब क्या होता है बच्चों, कि वेयर द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ्स इन ओनली वन प्लेन, जब बॉडी के किसी एक ऐसी निश्चित जगह से ही गुजरे, जैसे मान लो यहां से लाइन निकले तभी दो बराबर भागों में बढ़ सके, ये यहां से निकले, यहां से निकले, यहां से निकले, यहां से निकले, तो बराबर भागों में न बढ़ सके, तो जब एक निश्चित जगह से ही, एक निश्चित प्लेन से ही दो बराबर भागों में जीव को बांटा जा सके बच्चों, तो उस तरह की सिमेट्री को बोलोगे बायलेटरल सिमेट्री, ध्यान रखना। रेडियल सिमेट्री क्या है, कि सेंट्रल एक्सिस से जीव को दो बराबर भागों में बांट दिया जाएगा वो सेंट्रल एक्सिस से, तो उसे नाम दोगे रेडियल सिमेट्री। और जब किसी एक निश्चित जगह से, फिक्स जगह है बिल्कुल, वहीं से अगर काटोगे तभी दो बराबर भागों में बटेगा, तो उसे नाम दोगे आप बायलेटरल सिमेट्री। यहां तक बात समझ में आई। अब इसके बाद बच्चों बात आती है, ध्यान रखना, डिप्लोब्लास्टिक, एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स इन विच द सेल्स आर अरेंज्ड इन टू एम्ब्रियोनिक लेयर्स, एक्सटर्नल एक्टोडर्म एंड इंटरनल एंडोडर्म आर कॉल्ड डिप्लोब्लास्टिक। ध्यान रखो बच्चों, जब हम इम्ब्रियो लेवल के होते हैं, ध्यान रखना, जब हम बिल्कुल जायगोट लेवल पे होते हैं, जब इम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता रहता है, उस समय एनिमल्स इन विच द सेल्स आर अरेंज्ड इन टू एम्ब्रियोनिक लेयर, ऐसे जीव जिनमें जो रिप्रोडक्टिव लेयर हैं, है ना, वो दो भागों में बटी होती हैं, ये पहले वाले का जो नाम होता है उसे कहते हैं एक्टोडर्म, एक्टोडर्म, और दूसरे वाले को कहते हैं बच्चों इंडोडर्म। तो ऐसे जीव जिनका निर्माण एक्टोडर्म और इंडोडर्म दोनों से होता है, उसे नाम देते हैं डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म, ध्यान रखना। और ऐसे जीव जिनका निर्माण एक्टोडर्म, एंडोडर्म और बीच में मेसोडर्म ही आ जाए, तो उसे बोलोगे ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्या बोलोगे? ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये सब के सब क्या है? ये रिप्रोडक्टिव लेयर है, ध्यान रखना, जनन लेयर है, हमारा सबका निर्माण इन्हीं से होता है बच्चों। एनिमल्स इन विच द सेल्स आर अरेंज्ड इन टू एम्ब्रियोनिक लेयर, ये सब एम्ब्रियोनिक लेयर की है सब ये,
है ना, जिसमें एक्टोडर्म एंडोडर्म होगा उसे आप डिप्लोब्लास्टिक कहोगे, और जिसमें एक्टोडर्म मेसोडर्म और एंडोडर्म होगा, बीच में आ जाएगा तीसरा वाला, मिडिल में जो आएगा बच्चों से नाम देंगे मेसोडर्म, उसे कहोगे आप ट्रिप्लोब्लास्टिक, है ना, उसे क्या नाम दोगे ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं, जैसे सिलेंट्रेटा फाइलम के जो प्राणी है आपके, सब इसी में आएंगे। एन अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर मेसोग्लिया इज प्रेजेंट इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म इज कॉल्ड मेसोडर्म, है ना, मैंने अभी आपको बताया। दोज एनिमल्स इन विच डेवलपिंग इम्ब्रियो हैज थ्री थर्ड जर्मिनल लेयर मेसोडर्म बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म इज कॉल्ड ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है बच्चों, अगला टर्म आता है आपका सिलोम। अगला जो टर्म बच्चों आता है सिलोम, सिलोम का मतलब होता है बच्चों गुहा, खाली स्थान। सिलोम का मतलब क्या होता है, खाली स्थान। देखो ध्यान से, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड गट वॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द क्लासिफिकेशन। जो हमारा गट है, जो हमारा इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसमें, है ना, और जो बॉडी वॉल है, शरीर की जो दीवार है, उनके बीच का जो गैप है बच्चों, उसके बेसिस पर भी जीवों को क्लासिफाई किया जाता है। द बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाई मेसोडर्म इज कॉल्ड सिलोम। ध्यान रखना, द बॉडी कैविटी विच इज लाइंड lined by mesoderm is called coelom। बहुत important term है। आपके समझ में आ रहा होगा कि body, ऐसी body cavity जो mesoderm से घिरी होती है ना, उसे क्या नाम देते हैं, coelom। लेकिन सबसे बड़ा important term तो यह सर, cavity क्या होती है, सबसे बड़ी बात, व्हाट इज कैविटी, है ना बच्चों। कैविटी का मतलब होता है खाली स्थान। कैविटी का मतलब क्या होता है, खाली स्थान। लेकिन ऐसे खाली स्थान नहीं, ऐसा खाली स्थान जो चारों तरफ से, है ना, स्ट्रक्चर से घिरा हुआ हो, उसे नाम देते हैं कैविटी। ठीक है बच्चों, अब इसके आगे का नेक्स्ट, अगली वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।